कब्जा माफिया मंशा बम डिफ्यूज। मंशा बम को पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट अहाता इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मंशा बम गिरफ्तारी देने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सदर डिवीजन पुलिस मंशा बम को लाहौर लाने के लिए रवाना। समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का रिजल्ट जारी। NA 124 में 400, NA 131 में 991 वोट ने वोट कास्ट किए। PP 164 में 20, PP 165 में 94 वोटर्स ने वोट कास्ट किए। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात मुतलका रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी। निस्बत रोड पर साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी की आमद। गुज़श्ता रोज जख्मी होने वाले कारकुनों की आयादत। कारकुन नून और जनून के माबेन झगड़े से जख्मी हुए थे। लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम पर बॉन्ड सिटी अथॉरिटी का एक्शन। गंदगी फैलाने पर 21 सयाहों को जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने तारीखी मकाम पर गंदगी फैलाने पर 100 रुपए जुर्माने का हुक्म दिया था। साबिक अहलिया को ब्लैकमेल करने का मामला। FIA ने अमेरिकन लाइफस्टाइल स्कूल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। नदीम के आनी के खिलाफ उनकी अहलिया ने साइबर क्राइम सर्कल को दरख्वास्त दी थी। DGLDA ने मुतअद्दिद अफसरान के तकरीर और तबादले कर दिए। डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट प्राइवेट हाउसिंग स्कीम शहबाजुल हक को एडमिन रिपोर्ट करने की हिदायत। हमाना सईद को डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग 1 का इजाफी चार्ज दे दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग फैसल मसूद की खिदमात चीफ टाउन प्लानर के सपोर्ट कर दी गई। LTA ने पाक अरब सोसाइटी का तमाम रिकॉर्ड भी NAB को जमा करवा दिया। और बीजिंग अंडरपास मुतासरीन को घरों के अलॉटमेंट का मामला। मुतासरीन महकमा इरीगेशन के मुलाजमीन ने घरों के अलॉटमेंट के लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब को दरख्वास्त दे दी।